if lines joining a x1 y1 and b x2 y2 cut the line a x plus b y plus c equals to 0 at p point ap upon bb. तो ध्यान से देखिए इसमें लाइन की इक्वेशन जानते हो या नहीं जानते हो उसका कोई यूज नहीं है. ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं. एक मैं ऐसा तरीका बताता हूँ जो एलिमेंट्री लेवल पे अगर आप सेक्शन फॉर्मूला भी जानते हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो. देखिए ये एक्स वन वाई वन है और ये मेरे पास बी क्या है एक्स टू वाई टू है, ये मुझे मेरे पास है ऑलरेडी. ये लाइन की इक्वेशन है, ये मेरे पास पी है और लाइन की इक्वेशन क्या दी है, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है मेरे पास ये एक्स पी वाई पी मान सकता हूँ और लाइन की इक्वेशन क्या दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. तो लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है, इस पर लाई करने वाला हर पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा. ओके, लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि उस पर लाई करने वाला हर पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा. एपी अपॉन बीपी निकालना है तो ये मैंने लैम्डा इज टू वन मान लिया. ठीक है, अब पी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, एक्स पी कितना आएगा लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन. ओके, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. नाउ अगर मैं वाई पी की बात करता हूं तो वाई पी मेरे पास कितना आएगा, देखिए जरा, लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये मेरे पास वाई पी आ गया. अब जो काम की बात है वो ये है कि जो P पॉइंट है, P lies on line, P lies on line, that's why क्या होगा कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब A X P plus B Y P plus C equals to कितना आएगा, जीरो आएगा. तो यहां मैंने ये वैल्यूज रख दी तो ध्यान से देखिए ये मेरे पास कितना बना, अच्छे से फोकस करिए क्या बनेगा, ये मेरे पास आएगा A. XP का मतलब क्या है, लैम्डा X2 plus X1 upon लैम्डा plus 1. ओके, एंड BYP, B का मतलब क्या है, लैम्डा Y2 plus Y1, Y1 upon लैम्डा plus 1. ओके, plus C equals to 0. यहां से लैम्डा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आएगा AX1 आ जाएगा प्लस BY1 प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी. नाउ फोकस करना, ये बहुत अच्छी सा है, ये प्रॉब्लम की तरह मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ये एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं. और इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, फॉर पहले लाइन में एल वन, एल एल माइनस ऑफ एल ए अपॉन एल बी, मतलब इसे मैं लाइन का एक्सप्रेशन कहूं तो इसमें ये जो एपी एपी अपॉन बीपी निकालना है तो इस लाइन के एक्सप्रेशन में ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस एल अपॉन एल बी, ये रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं. और बहुत ही ज्यादा काम का है, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन आना जरूरी नहीं है. लाइन की इक्वेशन का सिंपल ये यूज हुआ है कि अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट उसे सेटिस्फाई करेंगे. तो P is the point lying on line, that's why P satisfies the equation of this line. मतलब P के coordinate इसमें लाई करने पर satisfy करेगा. Okay? इसके अलावा section formula का use किया है मैंने और इसे lambda is to one माना है और फिर ये point के coordinate निकाल के यहाँ पर इसको satisfy कर दिया है और यहाँ से ये ratio आ गया minus LA upon LB. और भी तरीके इसके हो सकते हैं लेकिन ये ऐसा तरीका है जो आपको समझ में आ गया है और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं. ओके,